सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh लिथियम पॉलीमर 18 वोल्ट फास्ट पावर डिलीवरी चार्जर। जैसा कि ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया हूँ MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग PD। इसमें आपको ट्रिपल पोर्ट आउटपुट है, डुअल इनपुट पोर्ट, माइक्रो USB, USB-C, एडवांस 12 लेयर चिप प्रोटेक्शन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इस तरीके का ये बॉक्स है, सामने से ऐसे है, साइड से MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh। बैक साइड में सब डिटेल्स दी गई है इसकी, प्रोडक्ट नेम, पावर बैंक, प्रोडक्ट मॉडल, PLM 18ZM, फीचर्स की सब पूरी डिटेल्स दी गई है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया हुआ है कि Xiaomi के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बीच में डुप्लीकेट निकले थे, काफ़ी डुप्लीकेसी आ रही थी, तो कंपनी ने इसने जो है स्क्रैच फॉर सिक्योरिटी कोड यहाँ पर अभी डालना शुरू किए ताकि डुप्लीकेसी ना हो और जो भी हो जेन्युइन प्रोडक्ट जो है कस्टमर्स को मिले। चलिए इसे ओपन करते हैं। यहाँ से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, सो गाइस प्रेजेंटिंग MI पावर बैंक 3i। कलर इज सैंडस्टोन, इट इज डिजाइन विथ ट्रिपल आउटपुट पोर्ट, डुअल इनपुट पोर्ट, माइक्रो USB एंड USB-C। They provide 18 volt fast charging and has 6.9 hours charging time. 20,000 mAh lithium polymer battery provides smart power management in a advanced 12 layer chip protection. Amazon पे इसकी MRP जो mention की हुई है जो कि है 2,199, लेकिन -2% पे Amazon बेच रहा है इस product को, तो आपको कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 2,149 क्योंकि मुझे पड़ा है। इसमें आपको USB Type-C साथ में मिलता है। इसका वेट जो है वो 434 ग्राम्स है। हार्ड प्लास्टिक बॉडी है, पकड़ने में काफ़ी सॉलिड है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पर जैसा कि आप मेंशन किया हुआ है 20,000 mAh। यहाँ पर जो है आपको पोर्ट्स देखने मिलेंगे, पहले के इसमें Type-C नहीं देखने मिलता था, अभी आजकल जो है वो Type-C काफ़ी कॉमन हो गया है, तो आप वो हिसाब से कंपनी ने अच्छा डिसीजन लिए फ्यूचर को देखते हुए कि Type-C का भी पोर्ट ही है, तो लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी इसमें। और इसमें एक ख़ास बात बहुत अच्छी है कि आप जो है इसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों दिया हुआ है कि आप अगर इसको जो बैटरी को है चार्ज पे रखते हुए दूसरे फ़ोन या कोई डिवाइस को भी चार्ज पे रख सकते हो। ये इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ की है कंपनी ने। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर ये जो बटन है ये 3 सेकंड अगर ये प्रेस करते हो तो ये जो है ये स्लो चार्जिंग मोड पे चले जाएगा। जैसा कि बहुत से डिवाइस ऐसे हैं जो फास्ट चार्जिंग एक्सेप्ट नहीं करते,
तो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है अगर स्लो चार्जिंग किसी को करना हो तो। इसकी जो है फुल चार्जिंग टाइम जो है वो 6.9 आवर्स कंपनी क्लेम करती है। अभी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि ये फुल चार्ज कितने टाइम में होता है। 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग मेंशन की है, अभी पता चलेगा कि मेरा जो डिवाइस है वो कितनी बार चार्ज होता है। परफॉर्मेंस बेस इसका जो है वो मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये प्रोडक्ट। इसके अंदर ये लाइट देख सकते हो। तो पावर बैंक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिवाइस है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, फ़ोन की बैटरी लो है तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो टाइप सी पोर्ट मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ, तो ये साइड बाय साइड चार्ज भी हो रहा है। और मैं अपना डिवाइस यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। चार्ज हो रहा है। और इसमें यहाँ पर भी एक पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक यूएसबी आप लगा सकते हो। और दूसरा यहाँ पर जो है माइक्रो माइक्रो यूएसबी भी दिया हुआ है। सो अगर इन केस अगर आपका टाइप सी नहीं मिल रहा हो, गुम गया हो या मिसप्लेस हो गया हो या भूल गए हो, जो भी है, तो आप अपने माइक्रो यूएसबी पोर्ट से इसे चार्ज पे भी रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइप सी पोर्ट ही चाहिए इसको चार्ज करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कंपनी ने काफ़ी सुधार की है। आपकी बैटरी ड्रेन होती है फ़ोन की, तो उसके बाद ये पावर बैंक हमें कितना यूज़फुल है और कितना नहीं है, तो इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। तो मुझे प्रोडक्ट चेक करना था, वो हिसाब से मैंने आपको इसका अनबॉक्सिंग बताया हो। और मुझे टेस्ट करना था कि ये प्रोडक्ट सही मिला है कि नहीं, वो सब भी मुझे चेक करना था। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी वीडियोस काफ़ी सारी आएगी हमारी, इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, मोटो ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग इंशाल्लाह वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर।